अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आज जो है ना मैं आपके लिए ऑटो वॉशिंग मशीन की जो है ना वो वीडियो लेके आई हूँ। बहुत से लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। लोगों ने ली भी हुई हैं लेकिन इस्तेमाल करने से भी गुरेज कर रहे हैं, उनको मैनुअल भी समझ आती है इसकी नहीं। सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि ये क्लीनिंग नहीं सही करती। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूंगी जो इस वॉशिंग मशीन को आपकी नज़रों में बहुत ही ज़बरदस्त बना देगी और आप इसको लेना पसंद भी करेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है 7-8 साल का। जब आप नई चीज़ लेते हैं आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन मैं चूंकि 7-8 साल इस मशीन के साथ गुजार चुकी हूँ और इसकी सारी जो है ना बातों से मैं वाकिफ़ हूँ, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी क्योंकि ये एक्सपीरियंस पे बेस है। तो चले आए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी मेरी वॉशिंग मशीन, हायर कंपनी की है ये और 8 kg की है ये। तो आए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले इसकी फिटिंग के बारे में। तो जहाँ पे जिस सरफेस पे आपने इसको रखना होता है वो जो है ना उसका बैलेंस होना मशीन का बेहद ज़रूरी है। उसके लिए आप जो फ्रिज के नीचे रखने वाले मिलते हैं स्टैंड्स वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कंपनी वालों जिनसे हमने ली थी वही आए थे इसको सेट करके थे, इसलिए इसका तो कोई इशू नहीं है। अगर मशीन अनबैलेंस होगी इसके शॉक ख़राब हो जाएंगे और उस पर मशीन पे असर पड़ता है, शॉक ख़राब हो जाएंगे, 7-8 हज़ार का आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अनबैलेंस होने से ये जो अंदर है इसका टप है ये सही तरह से मूव नहीं करेगा और उसकी ना खराबी का बायस बनेगा। इसलिए सबसे पहले जो है ना इसका जो सरफेस है ना उसका बैलेंस्ड होना बेहद ज़रूरी है। मेरी जो मशीन है वो टॉप लोडर है, ये फ्रंट वाली भी होती है, लेकिन ये पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो ये कन्वीनियंट रहती है। इसको हम दरमियान में भी यूज़ कर सकते हैं, बीच में वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कैसे। जो फ्रंट डोर होते हैं उनको भी जब हम एक दफ़ा चला लेते हैं दोबारा हमें फिर खोलना नहीं होता, लेकिन इसको हम जो है ना खोल सकते हैं। और वैसे भी मेंटेनेंस के हवाले से भी अगर देखा जाए तो इसकी जो है ना वो आसानी से हो जाती है, उसकी थोड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे अगर वो ख़राब हो जाए तो मसला हो जाता है। इसलिए प्रेफर मैं यही करूँगी कि आप ये लें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मशीनें तो दोनों ही अच्छी हैं। तो ये जो है इसके बारे में, इसकी फ़िटिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ, इसके पीछे ना एक पाइप होता है ये वाला, ये वो पाइप है जिससे इसने पानी लेना होता है, एक इसके पीछे है और इसका जो कनेक्शन है ना दूसरी तरफ टैप के साथ होता है। कुछ मशीनों में दो पाइप होते हैं, एक ठंडे पानी का और एक गर्म पानी का, मेरी मशीन में एक ही है और ये इसका ड्रेन वाला पाइप है। बाकी साथ ही इसका ये कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन जो बोर्ड है ना ये भी अच्छी क्वालिटी का ही आपने लगाना है ताकि जो है ना मशीन पे किसी किस्म का कोई असर ना पड़े, ये जल्दी ख़राब हो जाए, जल जाते हैं, सर्किट फेल हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो स्विच है ना वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इसका ना आपका अच्छी क्वालिटी का होना जो है ना वो ज़रूरी है। बाकी जो है मशीन के साथ इसकी जो है ना एक कैटलॉग होती है, बुक होती है इंफॉर्मेशन वाली, इस जिसमें इसकी सारी डिटेल जो है ना उन्होंने बताई होती है कंपनी वालों ने। आप जब इसको परचेज करें तो सबसे पहले आपने उसको ज़रूर पढ़ लेना है, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। बहरहाल फिर भी मैं जो जिस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ वो उसमें नहीं लिखा हुआ, मैंने इस पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया और अपने हिसाब से इसकी सेटिंग की, जिसकी वजह से जो कपड़े हैं वो अच्छे धुल के साफ़ हो जाते हैं। मैंने इसको जो है ना पाकिस्तानी जो कपड़े गंदे जिसा होते हैं उस हिसाब से मैंने इसकी ना सेटिंग की है। तो यही मेन मसला है जिसकी वजह से लोग रेस करते हैं इसको लेने के लिए और ले भी लें तो इसको यूज़ नहीं करते कि कपड़े जो है ना वो साफ़ नहीं होते। लेकिन आज जो है ना आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूँगी और आपको करके दिखाऊँगी कैसे मैंने गंदे कपड़े इसमें डाले और कितने वो साफ़ हो गए। तो चले आए देखते हैं हम।
तो चले हैं वॉशिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो वाइट कपड़े हैं इनको मैं दिखाती हूँ। ये शर्ट है वाइट, ये देखें इसका कॉलर किस तरह का है, गंदा। तो अभी हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि हमने इसको कैसे साफ करना है। दूसरी अहम चीज़ जो है कि कपड़े आपने वन बाय वन इस तरह से डालने हैं, एक ही दफ़ा बास्केट पकड़ के तो उसके अंदर नहीं डाल देने, इससे भी मशीन पे जो है ना वो असर पड़ता है। तो आपने इस तरह एक एक करके जो है ना कपड़े इसमें डालने हैं। अब इसमें हम वॉशिंग पाउडर डालेंगे। मैं ब्राइट का ये साशे जो है ना 50 रुपीज़ का आता है, ये इकोनॉमिकल पड़ता है, तो इसको मैं जो है ना मैं यूज़ करती हूँ। आप अपनी भी पसंद का कोई भी जो वॉशिंग पाउडर है या लिक्विड है वो आप यूज़ कर सकती हैं। तो एक राउंड के लिए ये जो है ना इनफ होता है। अब इसको ये है हम बंद करते हैं, यहाँ से हम इसका स्विच ऑन करेंगे। और जो बातें जहन में रखने वाली हैं वो ये है कि ये इसका पाइप आपने नीचे करना है, और इधर जो टैप लगी हुई है यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, इसको आपने खोल लेना है। वॉशिंग पाउडर डालने के लिए आप ये जो ट्रे हैं इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इनको इस्तेमाल नहीं करती इसलिए इनका कलर इस तरह का हो गया हुआ है। मैं जो है ना डायरेक्ट ही इसमें डालती हूँ और भी कोई चीज़ सॉफ्टनर वगैरह यूज़ नहीं करती, हाली जो है ना वॉशिंग पाउडर डालती हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, चॉइस है, आप सॉफ्टनर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो चले इसको बंद करते हैं। अभी जो है ये जो कपड़े मैंने डाले हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना ऑप्शंस होते हैं। ये है इसका जो है ना पावर का जो है ना बटन है, मशीन ऑन हो चुकी है। अब इधर जाके आप देखें तो ये सारी जो है ना चीज़ें आपको नज़र आएंगी, फंक्शंस जो हैं। ये वाटर लेवल है, इसमें आपने सेट करना है जितना पानी कपड़े हैं उस हिसाब से वाटर लेवल को आपने सेट करना है। ये सोक टाइम है, अगर आपके कपड़े गंदे हैं जैसे मैंने आपको दिखाया बच्चों के कपड़े होते हैं तो आप सोक टाइम पर भी इसको जो है ना 10 से लेकर 40 मिनट तक कपड़ों को भिगो के रख सकते हैं। अगर आपने कपड़े श्रिंक करने हैं, जैसे नए कपड़े होते हैं उनको श्रिंक करना हो, तो उसके लिए भी ये होता है कि सिर्फ आप सोक टाइम पे लगाएंगे और वाटर लेवल पे पानी भरेगा और उसके बाद इसमें आप सोक कर सकेंगे। फिर आ जाता है रिंस। रिंस जो है ना ये भी आपने अपने अकॉर्डिंग करने हैं, 1, 2, 3, 4 है। मैंने इसको 2 पे रखा हुआ है, 2 रिंस मैं करती हूँ। फिर आ जाता है स्पिन टाइम। स्पिन का भी यही है, 4 से लेकर 7 तक है। आप कपड़ों के हिसाब से और मौसम के हिसाब से जो है ना इसको कर सकते हैं। अगर सर्दियां हो तो आप जो है वो ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, समर में आप जो है ना 4 मिनट्स पे बिना जो है ना वो कर सकते हैं। ये है प्रोग्रेस। इसमें सारे ऑप्शन जो पीछे बताए हैं वो हैं सोक, वॉश, रिंस, स्पिन, इसके मुताबिक आपने इसको सेट करना होता है। और ये जो है ये दोनों बटन जो है ना इनको अगर हम इकट्ठे ऐसे प्रेस करें तो चाइल्ड लॉक लग जाता है, बच्चा जो है ना इसको नहीं खोल सकता। यहाँ पे जो है इसके ऑप्शंस हैं कपड़ों के हिसाब से, कॉटन, ECO, एक्सप्रेस, स्पोर्ट्स, वूल, हैवी, सॉफ्ट वॉश, डेलिकेट, ब्लैंकेट, टॉवल, बेबी केयर एंड ड्रम क्लीन। ये ड्रम क्लीन का भी है, और ये स्टार्ट का बटन है और पॉज का, यहाँ से आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और अगर आपको इन केस बीच में रोकना पड़े तो पॉज भी कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं इसको करती हूँ, चूँकि ये मैंने लगाया है मीडियम पे, मैंने इसको लगाना है, कपड़े थोड़े हैं तो ये जो वाटर लेवल है पहले ही जो है ना मीडियम पे सेट है, लेकिन मैं इसको दोबारा करूँगी इस तरह से मीडियम पे ले आऊँगी और ये प्रोग्रेस का बटन दबाऊँगी इस तरह से, तो ये वॉश का आ गया। अब इसमें ना तो स्पिन होंगे, ना रिंस होंगे, ना सोक होंगे, सिर्फ जो है ना यहाँ पे वॉश होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। 12 मिनट में ये जो है ना इसमें पानी भी भरेगा और ये इसके बाद जो है ना ये चलेगी। तो ये एक्स्ट्रा टाइम देने से जो है ना हमारे कपड़े जो है ना वो साफ होंगे। वैसे इसको हम अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो 32 मिनट्स में ये अपना सारा काम करेगी, लेकिन उसमें वो इनफ नहीं होता, उसमें कपड़े गंदे रह जाते हैं, इसलिए हम इसको जो है वो लगाएंगे इस तरह 12 मिनट्स पे, ताकि इसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, वो सिर्फ वॉशिंग करेगी। इसके बाद हमने स्टार्ट का बटन जो है ना वो दबा देना है। तो ये देखें जी, पानी आना शुरू हो गया है। अब जैसे ही ये भर जाएगी ये खुद बहुत चलना शुरू हो जाएगी और अपना टाइम जो है ना वो मुकम्मल करेगी। उसके बाद हम जो है ना इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो फिर जब ये रीस्टार्ट होने पे आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे जो है ना हमने क्या करना है।
ये देखें जी, 12 मिनट का टाइम था मशीन पे, मशीन अब हो गई है बंद। अब हम इसको करते हैं रीस्टार्ट। ये देखें झाग बन गया है। अच्छा, इस स्टेज पे आप ये है कि अगर आप चाहें कि देखते हैं कि कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं और वाइट हैं, तो आप इसको ना ब्लीच भी लगा सकते हैं। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा इसमें ब्लीच भी डाल सकते हैं ताकि कपड़े और भी अच्छे वाइट हो जाएं। तो अभी जो है ना, मैं इसको रीस्टार्ट करूँगी। ये पावर का बटन है, इसको ऑन करेंगे। ये देखें, ये 39 पे आ गई है। ये दोबारा से मैं इसको मीडियम पे ले आऊँगी। बाकी 2 रिंस होंगे, 5 मिनट्स का इसका स्पिन टाइम है, 39 जो है ना टोटल टाइम है, जिसमें ये सारा जो है ना ये कंप्लीट करेगी। कॉटन पे मैंने इसको सेट किया हुआ है, तो क्योंकि ये कॉटन के लाइट कपड़े हैं, यूनिफॉर्म हैं, तो अब ये 39 जो है ना उस पर जो है ये चलेगी, उतना टाइम लेगी, उसमें ये सारे जो है ना इसके काम होंगे। और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये इसने कपड़े कैसे साफ़ किए हैं। तो मिलते हैं 39 मिनट्स के बाद। और इसको कर देते हैं हम यहाँ से स्टार्ट चैलेंज। ले जी, मशीन बंद हो गई है। अब इसमें से हम कपड़े निकालते हैं और मैं आपको वो शर्ट दिखाती हूँ जो मैंने आपको दिखाई थी। ये ले जी, ऊपर ही है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये साफ़ सुथरी हो गई है। इसकी सारी मैल जो है ना वो उतर गई है, कोई भी इस पर किसी किस्म की ना लाइंस नहीं है, ये बिल्कुल जो है ना साफ हो गई है। और इसके बाजू भी ये देखें साफ सुथरे हो गए हैं, कोई ऊपर जो है ना किसी भी किस्म की ये जो है ना मैल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह मैंने इसको एक्स्ट्रा टाइम लगाया तो किस तरह जो है ना ये शर्ट्स जो है ना ये साफ होगी। ये देखें, ये मेरे बेटे की है, स्कूल की शर्ट है, इसका कॉलर भी देखें साफ है। तो ये तरीका है जिससे आप जो है ना कपड़े वॉश करें, इसमें कोई मसला नहीं है, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। बस इस चीज़ को आपने फॉलो करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अभी मैं दूसरा राउंड लगाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ये तो मैंने मीडियम पे लगाया था तो आपको बताया था, अब मैं जो है ना हाई पे लगा के तो आपको बताऊँगी कि उसको हम जो है ना वो किस तरह चलाएँगे। तो ये जी, मैंने कपड़े डाल दिए हैं। अब ये जो है ना ज़्यादा है, एक एक करके मैंने डाले हैं और वही एक साशे जो है ना मैंने इसमें डाल रही हूँ। अब आप कहेंगे कि मीडियम में भी वही साशे और जो हाई है उसमें भी, तो इसकी रीज़न यही है कि चूंकि वाइट कपड़े गंदे ज़्यादा होते हैं, अगर इसमें हम थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर ज़्यादा डाल देंगे तो उससे भी जो है ना क्लीनिंग जो है ना वो अच्छी हो जाएगी। तो ये रीज़न है कि उसमें भी मैंने यही साशे जो है ना वो यूज़ किया है। चले जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये है पावर का बटन, इसको किया। अब जो है ना वाटर लेवल पहले मीडियम पे था, हमने इसको हाई पे करना है, तो वाटर लेवल को प्रेस करेंगे। ये हाई पे चला गया, टाइम ऑटोमेटिकली 46 पे आ गया। बाकी जो सेटिंग मैंने की हुई है वो वैसे ही रहेगी, लेकिन मैंने इसको एक्स्ट्रा टाइम देना है इसलिए प्रोग्रेस का बटन जो है ना इसको प्रेस करेंगे। 15 आ गया। अब इसको कर देंगे हम स्टार्ट। चले जी, ये पानी भरना शुरू हो गया। अब इसके ये जो पैनल है इसका भी आपने ख्याल रखना है बहुत, कि आप एक हाथ में इसको यूज़ करें अगर आप चाहते हैं कि ये मशीन जो है ना सही तरह से काम करे। इसका ये टच सिस्टम है, दबा के करने से और मुख्तलिफ हाथों में इस्तेमाल करने से ये ख़राब हो जाएगा, फिर ये जो है ना नया लगेगा और वो 7-8 हज़ार का जो है ना वो भी आपका खर्चा पड़ जाएगा। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है कि जेंटली आपने इसको ना प्रेस करना है। अभी 15 मिनट्स के बाद ये बंद हो जाएगी तो फिर मैं इसको रीस्टार्ट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। इतनी देर में हम ये जो कपड़े हैं ये छत पे डाल आते हैं। ले जी, कपड़े जो हैं वो धुल गए हैं। सबसे पहले काम जो आपने ये करना है कि ये जो पाइप है इसको आपने इधर इसके ना पीछे लगा देना है, यहाँ से स्विच ऑफ कर देना है और उधर से जो पानी है उसको भी आपने बंद कर देना है। अब आ जाता है मशीन को साफ़ करना। तो ये इसके अंदर जो है ना ये जाली लगी होती है, इस तरह से आप इसको निकालें तो ये देखें इसके अंदर जो है ना वो गंद होता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये इधर से इसको हटाएं, इसके अंदर ये इस तरह की ना एक पॉकेट सी बनी होती है, तो इसके अंदर जो है ना ये सारा गंद होता है। ये देखें, ये सारा इसको उठाएँ, अगर इधर इस तरह से ना इसको ऐसे लेके आए
तो ये सारा जो कपड़ों का रुमाल वगैरह होता है ना, ये इसके अंदर जमा हो जाता है। तो इसको बिना धोना है, चले मैं आपको धो के दिखाती हूँ। तो पहले जो है ना, ये सारा इसके अंदर से निकाल दें। ये मैंने पिछले 2-3 दफ़ा जो कपड़े धोए थे ना, तो मैंने इसको साफ़ नहीं किया था आपको दिखाने के लिए कि ये देखें इस तरह इसमें ना कितना गंद जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है। फिर आप जो है ना इसको अच्छी तरह से जो है ना आपने धो लेना है। इसको निकाल के साइड पे रख दें और ये जो है ना इसको आपने धो लेना है अच्छी तरह से ताकि ये साफ़ हो जाए। और इस तरह से भी ये जो है सारी जाली जो है ना इसको भी आपने धो लेना है। इसके अंदर ऐसे पानी डालें तो ये साफ़ हो जाएगी, इसके अंदर से वो निकलता जाएगा। फिर इसको दोबारा वापस जो है ना इस तरह कर दें और पानी डालते जाएं तो ये जो है ना साफ़ हो जाएगी। तो ये आपने इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि इन जालियों को आपने लाजमी साफ़ करना है, क्योंकि इसमें जो है ना ये रुमा इकट्ठा हो जाता है 2-3 वाश के बाद। तो आप इसको लाजमी जो है ना कर लें, ज़रूरी नहीं कि डेली करें तो अच्छी बात है, लेकिन 2-3 वाश के बाद आपने इसको जो है ना अच्छी तरह से धोना है। इस तरह ये हो गई है साफ। इसको दोबारा जो है ना उधर लगा देते हैं। लगाने से पहले इसको भी आप ना किसी कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर लें। और फिर इसको जो है ना यहाँ पे हम आपने फिक्स कर लेना है। इसी तरह जो है ना मैं दूसरी जाली भी साफ कर लेती हूँ। अब आ जाती है इसके टब की क्लीनिंग। तो ये जो साइड पे रबड़ सा लगा होता है, इधर ये जो प्लास्टिक है रबड़ है, इसकी भी सफाई जो है ना ये ज़रूरी है। इसको अब भी आपने इधर से, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है, तो इधर से भी आपने इसको ना साफ करते रहना है। इस तरह से ये आसानी से हो जाएगा, आपका हाथ अंदर चला जाएगा और ये इधर से जो है ना ये साफ हो जाएगा। रेगुलर आप करती रहेंगी तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। इस तरह जो है ना आपकी मशीन साफ सुथरी रहेगी। बाकी जो ये टब की क्लीनिंग है, जैसे इन्होंने बताया होता है टब क्लीनिंग का, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, घंटों जो है ना वो पूरा दिन लग जाता है टब की क्लीनिंग का। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसको ना टब को जो है ना पानी से भर लें हाई लेवल पे और इसमें डाल दें वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर डाल के आप इसको चला दें 15 मिनट पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मैं कपड़े जो हैं वो लगाती हूँ तो 15 मिनट या 12 मिनट देती हूँ, तो उसके आप इसको चला दें और उसके बाद जो है ना इसका ना ड्रेन कर लें और स्पिन कर लें, तो उससे जो है ना टब जो है ना वो बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा। मशीन के मुताबिक आप करेंगी, आपकी बिजली भी ज़ाया होगी, आपका टाइम भी जो है ना वो बहुत वेस्ट होगा। तो बेहतरीन तरीका यही है, इसमें पानी भरें, वॉशिंग पाउडर डालें और मशीन को 15 मिनट पर ना चला दें और उसके बाद इसको रिंस करके स्पिन कर दें तो ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके पाइप की क्लीनिंग की तरफ। तो ये जो पीछे लगा हुआ है इसको आपने इस तरह से घुमाना है और इसको खोल लेना है। इसको भी जो है ना ब्रश की मदद से मैं साफ करूंगी और इसके अंदर जो है ना ये देखें इस तरह ये जाली लगी हुई है, तो इसको भी निकालते हैं। ये देखें इसके अंदर ये जाली लगी हुई है, इसको निकालना है बाहर। तो कैसे निकालेंगे, मेरे पास ये नेल कटर है, मैं इसकी मदद से ये जो है ना इसको पकड़ के तो निकाल लूँगी। आप जो है ना प्लास के साथ भी निकाल सकते हैं। ये देखें ये जंग लग चुका है पानी की वजह से और इधर भी। अब इसको जो है ना हम ब्रश की मदद से जो है ना धो लेंगे। ये टूथब्रश मैंने लिया है, इसके साथ इसको वॉश करेंगे। ये देखें मैंने इसको ब्रश के साथ जो है ना साफ़ कर लिया है। वैसे जो इसके टेक्नीशियंस हैं उन्होंने कहा था इसको आप हार्पिक के साथ भी जो है ना साफ़ कर सकते हैं। ये जाली इसकी साफ़ हो गई है, बस वो जंग की वजह से इसका कलर जो है ना वो हो गया हुआ है। इधर से अंदर से भी जो है ना मैंने इसको ब्रश के साथ कर लिया है साफ़। अब इसको जो है ना अंदर इस तरह से आपने फिट कर देना है और इसका जो ये वाला पाइप है इधर लगा देना है। इसको भी आप अब लगा दें तो ये जो है ना आप क्लीन हो गया है इसका पाइप। अब जो पानी का फ्लो है ना उसका भी मसला नहीं होगा, वो मशीन में जो है ना सही तरह से पानी भी आएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, महीने में एक दफ़ा जो है ना आप इसको भी साफ़ कर लिया करें। ये मैंने मशीन चलाई है, देखें पानी का फ्लो जो है ना वो सही हो गया है। पहले इसका ना फ्लो कम था, तो अब मैंने इसकी क्लीनिंग की है तो इस तरह ये देखें कितना पानी जो है ना स्पीड से आ रहा है। तो ये आपने क्लीनिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है।
वॉशिंग मशीन को वैसे आपने चलते हुए जो है ना इस तरह कवर नहीं उठाना। अगर आपने इसको बीच में रोकना है और आपने कोई कपड़ा डालना है इसमें तो उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने इधर जाना है पॉज पे, इसको आपने पॉज करना है, ये यहीं पे रुक जाएगी मशीन। अब जो आपने इसमें कपड़ा अगर डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं और उसके बाद इसको बंद करके दोबारा जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इस मशीन का ये फ़ायदा होता है कि आप जो फ्रंट लोडर है उसका ये टॉप लोडर जो होता है सॉरी उसका ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें बीच में भी कोई कपड़ा जो है ना वो डाल सकते हैं। जो फ्रंट लोड होते हैं उनमें ये सहूलत नहीं होती, उसको एक दफ़ा बंद कर दिया तो बस फिर कर दिया, लेकिन इसमें ये जो है ना आसानी रहती है। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप जो सी भी लेना चाहें। बाकी आप उसका भी तरीक़ेकार यही है, क्लीनिंग का, चलाने का, और इसका भी यही है। बाकी जैसा रेगुलर आप चीज़ों की डस्टिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, इसको भी अच्छी तरह आपने साफ़ सुथरा रखना है। उधर पानी पड़ने की वजह से निशान पड़ जाते हैं, अंदर से भी इसको साफ़ करें सारा और इसको खुश कर लें धोने के बाद, ये गीली ना रहे सारा, इसका जो है ना ख्याल रखें ताकि ये साफ़ सुथरी रहे नई की नई। और इसको इस तरह से कवर कर दिया, अगर आपके पास कवर है तो वो डाल दें, मैंने तो इस तरह ये चादर इसके ऊपर डाली हुई है ताकि ये साफ़ सुथरी रहे। तो मैंने काफ़ी हद तक जो है ना जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी आपके साथ शेयर की है कि किस तरह से आपने इस मशीन को जो है वो इस्तेमाल करना है, तो ये बहुत जो है ना आपके लिए यूज़फुल होगी। बस इस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपीरियंस से ही पता चलती हैं। नई मशीन ले कर आएँगे आप डाउट का शिकार ही रहेंगे। मैंने चूँकि इसको काफ़ी इस्तेमाल किया है इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी जो है ना मालूमात का पता चला होगा हो गया होगा और आपकी कन्फ्यूजन भी जो है ना वो दूर होगी होगी। बाकी जो है अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इसी के साथ ही जो है ना मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।